रतलाम जिले में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी व कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने माननीय प्रधानमंत्री ने जो आग्रह किया है उसको लेकर अपने घरों में रहकर ही दीपक व मोमबत्ती जलाएं। रतलाम जिले में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सब्जी मंडी खुलने का साप्ताहिक 3 दिन तय किया गया है, जो कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही सब्जी मंडी खुलेगी, जिसमें प्रशासन को भी सोशल डिस्टेंसिंग में भी सुविधा रहेगी। और एक खास बात यह है कि किसानों को कृषि वाहन जैसे कि हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ट्रॉली के उपयोग के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। किसान अपना काम खुद कर सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री ने जो आग्रह किया है जनता से, आज रात में 9 बजे उसको लेकर रात में दीपक व मोमबत्ती या टॉर्च अपने घरों में रहकर ही जलाएं। खिड़की पर या छत पर जाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। SP गौरव तिवारी ने जनता से यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी अपलोड करने से पहले उसे वेरीफाई जरूर कर ले, क्योंकि गलत जानकारी पोस्ट करने पर रोज 4-5 दिन में पूरे रतलाम जिले में करीब 50 से ज्यादा अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। चाहे वह फेसबुक हो या व्हाट्सएप या ट्विटर या टिकटॉक, इन किसी के भी माध्यम से गलत जानकारी अपलोड की गई तो अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। रतलाम से नरेंद्र टॉक की रिपोर्ट। नमस्कार, आज 5 अप्रैल 2020 के जो रतलाम जिले की व्यवस्था है उनके बारे में बताना चाहूंगी। हम लोगों ने आज से एक नई व्यवस्था शुरू करी है, जिसके तहत जो हमारी सब्जी मंडी है, जहाँ पर थोक विक्रेता व्यापारी अपना कार्य करते हैं, उनको अब से रतलाम जिले में सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन 3 ही दिनों को हम लोग ऑपरेट करेंगे। इससे हम लोगों को थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में भी सुविधा होगी और ये बेहतर रहेगा। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे किसान भाई हैं उन सभी के लिए, उनका चाहे वो हार्वेस्टर हो या उनका थ्रेशर हो या ट्रैक्टर हो, इसको उनको अपने कृषि कार्य के लिए खेतों पर ले जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमने संबंधित अपने सभी पूरे स्टाफ को नीचे स्तर तक निर्देश दिए गए हैं, और आपका इस मूवमेंट को आप अपनी फसल काटने जा सके, इसको हमने फैसिलिटेट किया है। साथ में मैं ये एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सभी से आग्रह किया है कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे जो हमें अपने घरों पर दिए या मोमबत्ती इत्यादि जलाना है, घरों की लाइटों को बंद करना है, इसमें आप सभी इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि ये हम किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के वायलेशन में ना करें। यानी कि आप जो ये दिया जलाना और मोमबत्ती जलाना करें, इसको अपने घर की छत पर, अपने खिड़की में, अपने घर की दहरीज पर, वहीं तक सीमित रखें। किसी भी रूप से अपने घर से बाहर ना निकलें, किसी पब्लिक प्लेस पर बाहर आके इसको ना करें। और अगर ऐसा किया जाएगा तो इसमें हमने कार्रवाई भी करने का प्रावधान रखा है, और साथ में ही हमारी पुलिस मोबाइल इस पर सतत निगरानी बनाए रखेंगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स इत्यादि, इनकी लाइट्स हम लोग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स वगैरह रहते हैं। स्ट्रीट लाइट्स भी इस केस में जलती हुई रहेंगी, इसके निर्देश भी हमें शासन से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आप सभी लोग सहयोग करें, आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। अब हम रेगुलर देखते हैं कि सभी घरों में लोग घरों में ही ज़्यादा रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं आ रहे हैं। इसी हैबिट को बनाए रखें, कहीं ना कहीं इसी हैबिट की वजह से, आपके इसी डिसिप्लिन की वजह से रतलाम एक अच्छी स्थिति में है, एक अच्छा कंट्रोल यहाँ पर मेंटेन हुआ है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जो टेलीमेडिसिन के नंबर्स हमने दिए हैं, यदि आपको सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि फील होता है तो आप तत्काल उस पर बात करना सुनिश्चित करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। मेरा रतलाम की सभी जनता से अपील है कि कृपया सोशल मीडिया पे कोई भी जानकारी पोस्ट करने से पहले आप उसको वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार देख रहा हूँ कि हर दिन 5-6 मामले पंजीबद्ध किए जा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, जो असत्य जानकारियाँ पोस्ट कर रहे हैं, भ्रामक जानकारियाँ पोस्ट कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं या सांप्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसे मेरा आप सभी से आग्रह है कि सोशल मीडिया में, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या इवन टिकटॉक में भी बहुत सारे ऐसे आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं लोगों द्वारा, ऐसे लोगों को डिस्करेज करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वक्त हम लोग का पूरा फोकस कोरोना से चल रही जंग जो उस पर होना चाहिए, बजाय कि इसके हम लोग अपना माइंड डाइवर्ट करें और इस चीज़ों में लगें। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सोशल मीडिया पर ऐसे किसी भी पोस्ट को लाइक, कमेंट या फॉरवर्ड ना करें जो आप उस स्वयं को आपत्तिजनक लगता है, भड़काऊ हुए है या जिससे किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच सकता है, अन्यथा इसमें त्रुटि करने वाले सभी के खिलाफ मामले पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। और अब तक रतलाम जिले में लगभग 15 से अधिक FIR ऑलरेडी किया चुकी है पिछले 3 दिनों में।
दूसरा मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसके संबंध में रात के टाइम पर आप जो भी कैंडल या दिया जलाते हैं, तो इसमें मेरा सभी से आग्रह है कि कोई भी सार्वजनिक स्थल पे अपने घर से बाहर रोड पे, चौराहों पे आदि पर ना निकले, क्योंकि पुलिस की लगातार मोबाइल पार्टियाँ चल रही होंगी उस वक्त, जो भी लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप जो भी कैंडल जलाते हैं या दीप जलाते हैं अपने घर के अंदर करें, बालकनी में करें, छत पर करें, लेकिन किसी भी हालत में आपको रोड पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।